जबलपुर के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से कल पुर्जे के रूप में चुराई गई AK-47 राइफल मामले की जांच के लिए लखनऊ से आई NIA नेशनल जांच एजेंसी की 4 सदस्यीय टीम ने शहर में पिछले 4 दिन से डेरा डाल रखा था। टीम ने COD में पूछताछ के बाद AK-47 राइफल की तलाशी में गौर और तिलवारा घाटों की मशीनों से तलाश करने के बाद देर रात टीम वापस लौट गई। इसके इनपुट में मुंगेर में मौजूद 24 सदस्यीय टीम अब जल्द ही यहां आएगी जो तस्करों की धरपकड़ करेगी। आपको बता दें कि मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी पुरुषोत्तम लाल रजक ने गौर और सुरेश ठाकुर ने तलवारा में COD से चुराए गए कलपुर्जे फेंकना स्वीकार किया था। जबलपुर के KSP क्राइम सिवेश बघेल ने बताया कि लखनऊ से आई NIA की 4 सदस्यीय टीम अपनी छानबीन कर देर रात वापस लौट गई। अब 19 या 20 दिसंबर को मुंगेर में मौजूद NIA की टीम यहां आएगी और तस्करों की धरपकड़ करेगी। ये AK-47 के मामले में अभी NIA की टीम 13 तारीख को आई थी। इनने यहां पे COD में आरोपी पुरुषोत्तम और सुरेश ठाकुर के घर पे जाके साक्ष्य एकत्रित किए हैं और COD से उनने कुछ इस संबंध में जानकारी भी प्राप्त की है और उनकी एक और टीम जो है वो संभवतः 19 या 20 तारीख को यहाँ पे आकर और जो साक्ष्य मिले हैं उनको उसके आधार पर और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उनके।